शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यस मिस्टर रवि, अब आप बिल्कुल ठीक है, कल आपको डिस्चार्ज भी कर देंगे। और हाँ मिस्टर अजय, आप जरा ऑफिस में आइए। मैं अभी आया। अजय, हम घर चले जाएंगे तो मनीषा के पास जा। वैसे वादे से 5 दिन ज्यादा हो चुके हैं। नहीं रवि, पहले तुझे घर छोड़ूंगा, उसके बाद जाऊंगा। जब उसने 3 साल तक इंतजार कर लिया, वहां 5 दिन में क्या फर्क पड़ा? नहीं अजय, जब इंतजार की मुद्दत लंबी होती है तो इंसान बरसों इंतजार कर लेता है, लेकिन जब मिलन का वक्त आता है तो एक पल भी इंतजार नहीं। तू जा। हाँ बेटे, हुआ। हाँ जय भी, जा। जा। हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। इसकी क्या जरूरत थी कुंदन? खूबसूरत गर्दन में ये खूबसूरत हार बहुत अच्छा लगेगा। ये तुम्हारे कुंदन का। मनीषा, मनीषा, मैं आ गया हूँ। मनीषा, जुदाई के लंबे साल खत्म हो गए। अब अपने डैडी को बुलाओ और कहो कि इस बंगले को दुल्हन की तरह सजाए। अपने सहेलियों को बुलाकर कहो कि सुहाग के गीत गाए, और शहनाई वालों को बुलाकर शहनाई के बोल सुर बजवाओ कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो। हाँ, ये बंगला दुल्हन की तरह जरूर सजेगा। शहनाई वाले मीठे सुर में शहनाई जरूर बजाएंगे, मेरी सहेलियां सुहाग के गीत जरूर गाएंगी, हर तरफ खुशियां खुशियां होंगी। लेकिन इन खुशियों में तुम बाराती बनकर शामिल हो सकते हो, दूल्हा बनकर नहीं, क्योंकि मेरी शादी कुंदन से हो रही है। तुम मजाक कर रही हो? ये मजाक नहीं, हकीकत है। मनीषा, आने में 4-5 दिन की देर क्या? खैर छोड़ो, गुस्सा थूको, चलो। डोंट टच, मत भूलो कि ये मेरी होने वाली धर्मपत्नी है। कुंदन। यस डार्लिंग। जो हार तुम मेरे लिए लाए थे मेरे गले में पहना दो। जरूर। सोने का है, ये कुंदन का स्टाइल है। मिस्टर अजय, हमें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, प्लीज एक्सक्यूज अस। अजय जी, आप हमारी शादी में जरूर आइएगा। मनीषा विद कुंदन। थैंक यू। अकेली? I'm sorry, मैं आपको पहचान नहीं सकती। लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। खैर, अजय दिखाई नहीं दे रहा है। अजय को आप कैसे जानती हैं? मैं उस मनीषा की सहेली हूँ जो 3 साल से अजय का इंतजार कर रही है। ओ, अच्छा अच्छा, आपकी सहेली का इंतजार अब खत्म हो गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि 5 दिन की देर जरूर हुई है, मगर बेचारे अजय भैया, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था ना, इसीलिए उन्हें छोड़ते नहीं जा पाए। ओके, बाय बाय। अजय, मनीषा, मनीषा, रूपा, अजय यहाँ आया था? हाँ। तुमने उसके साथ कोई गलत सलूक तो नहीं किया? मैंने उसके साथ वही सलूक किया जो एक धोखेबाज के साथ करना चाहिए। नहीं नहीं मनीषा, मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैंने जिस औरत के साथ अजय की तस्वीर खींची थी वो उसकी बीवी नहीं, उसकी भाभी है, उसे माँ की तरह मानता है। रूपा, रूपा, ये तो क्या कह रही है? मुझे माफ कर दो मनीषा। तूने बहुत देर कर दी रूपा, ये मैंने क्या कर दिया? अजय भैया, आप मनीषा के पास नहीं गए? मनीषा के पास से ही आ रहा हूँ। शादी की तारीख पक्की हो गई? हो गई, लेकिन मेरे साथ नहीं, वो कुंदन से शादी कर रही है। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी उन्हें जाके बताऊं। नहीं भाभी, बाद में बता देना, अभी रवि का आराम करने दो। नहीं, अभी बताना जरूरी है। इसलिए मैं कहता था कि गुस्से और जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। इन हालात में फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं, और गलतफहमी से इंसान की जिंदगी बर्बाद भी हो जाती है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने सही वक्त पर हमें सब कुछ बता दिया। अगर मेरी और मनीषा की शादी हो जाती तो अजय की आहें हमें जिंदगी में दुख पहुंचाती। कुंदन बेटी। हाँ अंकल, मैं मनीषा को चाहता जरूर हूँ, लेकिन मेरी चाहत
खुद कर्ज नहीं है। आजा की शादी मनीषा के साथ होनी चाहिए, वही इसका असली हकदार है। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। मैंने आजा के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, अब वो कभी नहीं आएगा। रूठे हुए कभी लौट कर नहीं आते हैं, उन्हें मनाना पड़ता है। लेकिन अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? उसका पता ठिकाना तो मुझे मालूम नहीं। उसका पता ठिकाना मैं जानता हूँ, और वैसे भी मुझे उससे माफी मांगनी है। आप मेरे साथ आप। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बेटे रवि, बेटे हम सब गलतफहमी के शिकार हो गए थे, और गलतफहमी दूर होते ही मनीषा कुंदन को लेकर अजय को ढूंढने चली गई। तब तो घर ही गए होंगे। नहीं, वो लोग यहां तो नहीं आए। इसका मतलब मुझे वो जगह मालूम है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो तुम्हारा बंगला है, तुम तो मुझे अजय के पास ले जाने वाले थे। मैं इतना बेवकूफ नहीं जो लाखों की लॉटरी का नंबर किसी और के नाम निकलने दूं। क्या बक रहे हो? सीधी उंगली से घी ना निकले, ये घी का स्टाइल है। और समझदार आदमी उंगली टेढ़ी करके घी निकाले, ये उंगली का स्टाइल है। शट अप। बात बात पर शट अप बोलना अच्छा स्टाइल नहीं है। माफ कर दो चुचा जी, मुझे बहुत खुशी हुई शंकर कि तुमने शराब छोड़ दी और कुंदन का साथ छोड़ दिया। सुबह का बुला शाम को घर लौटा है। अच्छा ये बताओ, वो कुंदन मनीषा को लेकर कहाँ गया? जीजा जी, कुंदन का एक प्राइवेट बंगला है जहाँ पर उसने बहुत सारे शाने पाल रखे हैं, और मनीषा के साथ जबरदस्ती शादी करने की पूरी तैयारी किया है उसने। हाँ। छोड़ दो कुंदन, तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तुम जानते हो मेरे डैडी कितने बड़े बैरिस्टर हैं, वो तुम्हें अगवा के केस में बंद करवा सकते हैं। चल। देखो मनीषा डाले, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ये शादी का कार्ड और इसमें तुम्हारा और मेरा नाम भी छपा है, और तारीख भी आज ही की, और ये कार्ड भी तुम्हारे बाप में छपवाया है, और इसका खर्चा भी उन्होंने किया है। देखो डार्लिंग, जब कार्ड छपता है तो शादी हो जाती है, ये कार्ड का स्टाइल है। और जब शादी हो जाती है तो हिंदुस्तानी नारी अपने पति को पति परमेश्वर समझती है, ये हिंदुस्तानी नारी का स्टाइल है। क्या स्टाइल है? मैं उन जाहिल लड़कियों में से नहीं हूँ जो एक शैतान को अपना परमेश्वर मान ले। अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी कर भी ली तो मैं कोर्ट में जाके तुमसे तलाक ले लूंगी। तुम्हें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें वैसे ही तलाक दे दूंगा। पर क्या है कि एक छोटी सी समस्या है, तलाक की कीमत होगी सिर्फ 50 लाख रुपए। ये तलाक का स्टाइल है। तुम कितने कमीने हो कुंदन। कमीनापन हमारा खानदानी स्टाइल है। आओ पंडित जी मंत्र पढ़ो। अच्छा जी। ओम शुभ मंगलम, ओम शिवम देवम। अरे बड़ी मुश्किल से आज मेरी शादी पक्की हुई है और तुम उसे तोड़ने के लिए आ गए। ये कौन सा स्टाइल है? ये इनका स्टाइल है। बड़ा गंदा स्टाइल है, अच्छा स्टाइल नहीं है। ये अच्छा स्टाइल नहीं है? नहीं। तो दूसरा स्टाइल दिखाता हूँ।
बदतमीजी करता है। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, ये कौन सा स्टाइल है? ये पुलिस वाले का स्टाइल है, चल गंदा स्टाइल है। अजय, मैं गलत फहमी का शिकार हो गई थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसी बात पर आचार खिलाऊं।